विपक्ष आईसीयू में पड़ा हुआ है, जनता उन्हें ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। ऐसे दलों और उन दलों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं जो जनता सुनना भी नहीं चाहती है। और पूरे देश, प्रदेश और हर लोकसभा में एक ही नारा है, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सर, अखिलेश यादव ने कल दौरा किया शहर आगरा का, और उन्होंने कहा कि आगरा से भाजपा हटाओ। और श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है भाजपा को हटाना, वो सपा बचाओ ये अभियान चलावे तो हो सकता है, लेकिन भाजपा को जनता ने बैठाया है और जनता ही बैठाना चाहती है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहती है। यूपी की 80 की 80 और देश में 370 भाजपा के और 400 प्लस भाजपा गठबंधन के सांसद जिताना चाहती है, और इस बात को सारे विपक्षी नेता जानते हैं, क्योंकि विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं और उनको जनता ने नकार दिया है। वो परिवार के डेवलपमेंट के अलावा कुछ सोचते नहीं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का संरक्षण करने के अलावा कुछ सोचते नहीं, इसलिए ऐसे लोगों से मुक्ति, यानी भाजपा मतलब सुशासन, भाजपा मतलब विकास, भाजपा मतलब सुरक्षा, भाजपा मतलब गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव खत्म,